आज की रेसिपी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से पनीर भुर्जी आप देख सकते हैं इसकी रंगत इसका टेक्सचर बहुत ही स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनी है तो अमृतसर के ढाबे पे जो पनीर भुर्जी मिलती है बिल्कुल वही स्वाद की पनीर भुर्जी की रेसिपी आज आपको मिलने वाली है तो एंड तक आप पूरी वीडियो देखिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करें क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मसाले डाल के इस रेसिपी को बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखेंगे इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप बेसन अब बेसन डाल के हम यहाँ पर बेसन को भूनेंगे बेसन तब तक भूनेंगे जब तक बढ़िया सी इसमें से, इस से खुशबू नहीं आ जाती और थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तो फ्रेंड्स बेसन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें क्योंकि तो बेसन डालने से इसका टेक्सचर और साथ ही इसकी थिकनेस भी बनी रहेगी तो यहाँ पर देखिए चलाते हुए बेसन को मैंने भून लिया है बेसन का कलर थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है और बढ़िया सी खुशबू आ रही है तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डाल देंगे किसी बर्तन में अब इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप दही तो दही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टी यूज़ नहीं करें इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और इसी के साथ डालेंगे एक चम्मच भरकर धनिया पाउडर आधा चम्मच डाल देते हैं पाव भाजी मसाला आधा चम्मच सांभर मसाला और आधा चम्मच हम डालेंगे छोला मसाला तो तीनों मसाले आप ज़रूर से डालें अगर आपके पास हो तो और इसी के साथ आधा चम्मच में यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ और अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक चम्मच भरकर किचन किंग मसाला इसके जगह आप यहाँ पर गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हो अब चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेकिन इस समय ये काफ़ी गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे लगभग आधा कप के आसपास मैंने अभी यहाँ पर पानी डाला है अभी इसे लगातार चलाते हुए कुछ देर के लिए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी तरह के भी कोई भी लम्ब ना रहें तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया सा घोल बनकर तैयार हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर तो जिस समय आप सारे मसाले डाल रहे हो ना उस समय इसे डाल दीजिए ताकि मसालों के साथ ये भी बढ़िया से मिक्स हो जाए तो पहले मैं डालना भूल चुकी थी इसलिए मैंने यहाँ पर इस समय डाला है अब मैंने यहाँ पर दो चम्मच तेल को बढ़िया से गर्म कर लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे दो चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इस तड़के को अब हम डाल देते हैं इस घोल में तो ऐसा करने से हमारी सब्जी की जो रंगत है बहुत ही बढ़िया आएगी और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर सरसों का तेल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो उसका आप यहाँ पर यूज़ कीजिए तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मिक्स कर लिया है बढ़िया सा यहाँ पर मसाले का घोल बनकर बिल्कुल तैयार है तो इस मसाले के साथ आप कई तरह की स्वादिष्ट सब्ज़ी घर पर बना सकते हो तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो चलिए अब गैस चालू करके गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच तेल तो फ्रेंड्स इस सब्जी में थोड़ा तेल या बटर का यूज़ ज़्यादा ही होता है क्योंकि हम यहाँ पर इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाने वाले हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बटर बटर मैंने यहाँ पर चार चम्मच यूज़ किया है आप चाहें तो पूरी इस समय बटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बटर एकदम से जलने लग जाता है ना इसलिए मैंने यहाँ पर तेल बटर दोनों का यूज़ किया है थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देते हैं जीरा अब जीरे को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे सात से आठ कलियाँ लहसुन की जैसे इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ दो बड़े साइज़ के प्याज जिनके मैंने लच्छे बना लिए हैं तो जो पोटैटो स्लाइसर होता है ना उससे आप इसके लच्छे निकाल लीजिए यानी जिसमें हम चिप्स को कद्दूकस करते हैं ना उससे जो इसके लच्छे हैं एकदम पतले पतले बनेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सा हम पकने देते हैं तो हल्का सा ये पक चुका है तो इस समय हम डाल देते हैं अदरक मैंने यहाँ पर एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिससे बिल्कुल बारीक काट लिया है तो अदरक को आप कद्दूकस नहीं करें इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे तो इसका स्वाद सब्जी में बहुत ही बढ़िया आएगा तो इसे भी चला लेते हैं अब अदरक भी यहाँ पर थोड़ा सा पक चुका है और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं तीन टमाटर टमाटर के मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्च डाल रही हूँ तो अब चलाते हुए यहाँ पर प्याज और टमाटर को अच्छे से सॉफ़्ट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज दोनों का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही किया है क्योंकि पनीर भुर्जी में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि जो टमाटर है फटाफट से गल जाए तो नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि पहले भी हम यहाँ पर नमक का यूज़ कर चुके हैं नमक डाल के एक बार इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे पकने देंगे आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं कवर करके पकाएंगे तो ये फटाफट से पक जाएगी तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इस तरह से टमाटर को चलाते हुए थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि जो ग्रेवी है इसमें इसके बड़े बड़े पीस नहीं दिखें तो यहाँ पर देखिए टमाटर बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं और सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैश कर लिया है तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कटी हुई धनिया पत्ती तो धनिया पत्ती का यूज़ मैं बाद में भी करूँगी और इस समय भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फ्लेवर अलग अलग, अलग आता है अगर आप इस समय डालेंगे तो इसका जो स्वाद है सब्जी में अलग आएगा तो इसे भी मैंने कुछ देर के लिए चला लिया है तो अब हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था तो अब मसाला डालने के बाद लगभग हम इसे एक से दो मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे ताकि जो मसाला है थोड़ा सा भून जाए लेकिन इस समय ये काफ़ी गाढ़ा है ना तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल के इसे पतला कर लेती हूँ तो एक से दो मिनट मैंने इसे चला लिया है इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है पानी आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर ले लीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला या बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करें थोड़ा सा इसे लचेला टाइप ही रखें तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का यूज़ किया है और अब इस मसाले को हम बढ़िया से पकने देंगे जब तक पकने देंगे जब तक इसकी जो रंगत है बढ़िया से नहीं आ जाती तो मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर कर कर लगभग पाँच से छः मिनट के लिए मैं इसी तरह से इसे पकने दूंगी ताकि जितना भी तेल हमने इसमें डाला है ना वो सारा सेपरेट हो जाए तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे सब्ज़ी में कितनी बढ़िया सी रंगत आई है और साथ ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ग्रेवी यहाँ पर बनी है तेल भी सारा अलग हो चुका है यानी ये जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है जब इस तरह से हम अच्छे से मसाले को भून कर पनीर भुर्जी बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये पनीर तो मेरे पास ये घर का बना हुआ पनीर है क्योंकि मेरे पास जो दो लीटर दूध था वो पूरा फट चुका था तो उससे मैंने ये पनीर तैयार किया है लेकिन अगर आपके पास घर का बना हुआ पनीर नहीं है तो आप मार्केट का भी पनीर लाकर कर यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन पनीर को आप यहाँ पर ग्रेट नहीं करें हाथों से ही इसे मैश करें अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर इस समय पूरा हलवा जैसा इसका बन जाएगा पनीर में हमें दाने दिखना चाहिए इसलिए आप इसे हाथों से तोड़ ही इसमें यूज़ कीजिए तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग तीन से चार मिनट के लिए इसी तरह से पकने देते हैं तो बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिए कंटिन्यूसली इसे हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक इसके साइड में के किनारों में से तेल अलग नहीं होने लग जाता तो आप देखेंगे इसके किनारों ने तेल छोड़ दिया है यानी ये जो पनीर है बढ़िया से यहाँ पर सिक चुका है तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं पानी पानी इस समय मैं यहाँ पर एक कप का यूज़ कर रही हूँ तो पानी डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो पहले भी मैंने आपसे कहा है इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से रखना चाहते हैं बहुत से लोग इसे ड्राई खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर कर कर हम इसे लगभग चार से पाँच मिनट के लिए फिर से पकने देंगे अब आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सी रंगत आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया सी हमारी यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है तो जब इस तरह से सभी तरफ से बढ़िया सा तेल छूटने लग जाए तब आप समझिए आपकी सब्जी यहाँ पर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स हमने इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाया है जिस तरह से ढाबे पे एकदम तरी वाली पनीर भुर्जी मिलती है ना बस वही स्वाद आपको इसमें मिलने वाला है तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक कच्चा टमाटर बिल्कुल लंबी और पतली स्लाइस में काटें काट कर डालें और इसी के साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर प्याज के लच्छे भी डाल देते हैं और तो थोड़ी सी हम यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देते हैं तो सब्ज़ी बनने के बाद इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर और हरी मिर्च डालें इससे बहुत ही बढ़िया सा इनका स्वाद आता है क्योंकि जो प्याज का कच्चापन होता है ना इस पनीर भुर्जी में बहुत ही बढ़िया से लगता है तो देखिए इसे मैंने यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लिया है तो इस समय आप चाहें तो यहाँ पर आधा नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ बारीक कट की हुई धनिया पत्ती तो लीजिए फ्रेंड्स अमृतसर के ढाबे पे मिलने वाली पनीर भुर्जी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हैं आप इसे पूड़ी पराठे या फिर चपाती के साथ भी सर्व करेंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें